धागा निकाल लेंगे यहाँ से, ये निकाल लिया। इसकी केम की सेटिंग देखनी है आपको, ये जो मोटे कपड़े पर सिलाई ख़राब आ रही है ना दोस्तों, मैं आपको केम की सेटिंग बताऊंगा। अगर आप वो सेटिंग कर लेंगे अपनी सिलाई मशीन में तो आपकी सिलाई मशीन की ऐसी सिलाई बिल्कुल नहीं आने की और अच्छे से सिलाई करेगी। ये देखिए क्या करना है आपको, मशीन को ऐसे लेटा लेंगे, ऐसे लेटा लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास जो है ना ये मोटा कपड़ा है और मोटे कपड़े पर हम सिलाई कर रहे हैं और नीचे की सिलाई देखिए कितनी ख़राब आ रही है। ये देखिए मोटे कपड़े पर सिलाई ऐसी आ रही है, मैं इसको आपको और चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों नीचे की सिलाई कितनी ख़राब आ रही है, और ये कपड़ा है ना ये देखिए कितना मोटा कपड़ा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। ये जो जर्किन वाला कपड़ा होता है ना इसको हमने डबल कर रखा है सिर्फ, ये देखिए ये इतना मोटा कपड़ा है, कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं है और सिलाई इसकी कितनी ख़राब आ रही है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको जो है ना इस सिलाई मशीन को ठीक करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को काटना मत ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसको दोस्तों कपड़े को हटा लेंगे यहाँ से और मैं आपको दो सेटिंग बताऊँगा, आपको सिर्फ दो सेटिंग करनी है। वो आपको क्या करनी है, पहले इसमें सुई में से धागा निकाल लेंगे यहाँ से, ये निकाल लिया। इसकी केम की सेटिंग देखनी है आपको, ये जो मोटे कपड़े पर सिलाई ख़राब आ रही है ना दोस्तों, मैं आपको केम की सेटिंग बताऊंगा। अगर आप वो सेटिंग कर लेंगे अपनी सिलाई मशीन में तो आपकी सिलाई मशीन की ऐसी सिलाई बिल्कुल नहीं आने की और अच्छे से सिलाई करेगी। ये देखिए क्या करना है आपको, मशीन को ऐसे लेटा लेंगे, ऐसे लेटा लेंगे। और ये देखिए दोस्तों ये जो केम का पेंच है ना, ये वाला दो पेंच होते हैं इसमें, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। और इधर देखिए लट्टू का जो पेंच है ना, ये जो पेंच दिख रहा है आपको ये इधर जा रहा है, ये सामने रखना है यहाँ पर। ये जो लट्टू की कन्नी है ये लट्टू का बड़े वाला पेंच है, और ये जो पेंच है ना इसको सामने रखना है बिल्कुल। और ये देखिए पेंच किधर जा रहा है, ये अंदर की साइड को झुक रहा है। इसको सीधा करेंगे, पहले पेंच खोल लेंगे एक, ये खोल लिया हमने, और ये दूसरे वाला भी। इसको थोड़ा सा नीचे को ऐसे डाउन करेंगे ऐसे, और उधर पेंच चेक करेंगे, ये बिल्कुल सीधा करेंगे पेंच को पहले, ये यहाँ पर ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और ये जो पेंच है ना बिल्कुल इसके सामने करेंगे, ये यहाँ पर, ये दोनों पेंच बिल्कुल आमने सामने करके और पेंच टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सीधा है यहाँ पर ये पेंच, और उधर देखिए ये देखिए दोस्तों ये भी बिल्कुल बीच में है ना, ऐसा ही रहना चाहिए दोनों पेंच आमने सामने। ठीक है मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाता हूँ। इसका धागा डाल लेंगे सुई में दोबारा से, ये धागा डाल दिया हमने, और अब इसको ऐसे रखेंगे और सिलाई करनी शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों सिलाई हमारी कितनी अच्छे से हो रही है, पहली सिलाई कैसी आ रही थी ये सिलाई आ रही थी, और अब की सिलाई कितनी अच्छी सिलाई आ रही है। और इसको थोड़ा सा और सिलाई को कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितनी अच्छे से सिलाई दी है, ये मोटा कपड़ा है दोस्तों, और पहली सिलाई कितनी ख़राब आ रही थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे और आने वाले समय में आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों।